नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आपका होस्ट और दोस्त लेके आया हूँ आज की कुछ खास टेक न्यूज़। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज जो दोस्तों पहली खबर आती है वो आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग बहुत जल्दी अपना एक मोबाइल लेके आने वाला है जो कि लॉन्च होगा 19 नवंबर को दोस्तों, और ये मोबाइल है सैमसंग W20 5G। और दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हो रहा है, अब देखते हैं ये आता है तो क्या कमाल करता है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है वन प्लस की तरफ से। दोस्तों वन प्लस 8 प्रो जो है वो दोस्तों आएगा 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों इसी फ़ोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक होगा वन प्लस 8 और एक होगा वन प्लस 8 प्रो। जहां वन प्लस 8 आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ मिलेगा और साथ में वन प्लस 8 प्रो आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ दोस्तों मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि आती है MIUI की तरफ से। दोस्तों MIUI 11 का एक स्टेबल वर्जन अब 12 और डिवाइसेस को मिलने वाला है। लिस्ट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे होंगे। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को एक अपडेट मिलने वाला है इंडिया में, जो कि होगा एंड्रॉयड 10 का और बेस्ड होगा जो वो होगा वन UI 2.0 पर। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों जो कि आती है हुआवे की तरफ से। दोस्तों हुआवे Y9S आज ऑफिशियल हो गया है और इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप और नॉज लेस डिस्प्ले। बात करते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों क्रीन 710F मिल जाएगा आपको, 6GB की रैम मिल जाएगी, 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, 6.59 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, 128GB तक आपको स्टोरेज मिल जाएगी दोस्तों, 48MP, 8MP, 2MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है ओप्पो की तरफ से। दोस्तों ओप्पो रेनो 3 के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं, आइए बात करते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात आती है स्क्रीन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 735 देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, 8GB की रैम होगी, 60MP का प्राइमरी कैमरा होगा दोस्तों, 4500mAh की बैटरी होगी, 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा और 128 और 256GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिले। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है दोस्तों सोनी की तरफ से। दोस्तों सोनी ने टीज किया है आज अपने एक नए कैमरा सेंसर को जो कि है IMX686, और दोस्तों इसी सेंसर से ली गई हुई बहुत सारी कैमरा फ़ोटोस जो है सैंपल भी उन्होंने शेयर करे हैं। और इस सेंसर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा 60 से लेकर 64MP तक का कैमरा, जो कि हमें बहुत सारे मोबाइल में लगा हुआ मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे इस पर क्या और प्रोग्रेस होती है। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है कॉलकॉम की तरफ से। दोस्तों कॉलकॉम बहुत जल्दी अपना अनवील करने वाला है स्नैपड्रैगन 865 दोस्तों, और ये होगा दिसंबर के पहले हफ्ते में। तो देखते हैं इसमें क्या खास या क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है WhatsApp की तरफ से। दोस्तों WhatsApp बिजनेस में एक नया अपडेट मिला है और इस अपडेट के साथ आपको एक सुविधा मिलने लगेगी जो कि होगी कैटलॉग की। अब आप अपने बिजनेस या उसमें जो जो आप काम करते हैं उसकी आप एक लिस्ट अपने WhatsApp बिजनेस में तैयार करके अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटलॉग। तो दोस्तों अगर आपने नहीं इसको अपडेट किया है तो कर लें। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है Vivo की तरफ से। दोस्तों Vivo अपना एक नया मोबाइल लेके आने वाला है जो कि है Vivo Z5i, और इसके स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं दोस्तों, सामने आए हैं। सबसे पहले बात आती है आपको कलर कौन कौन से इसमें देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें ब्लैक, ब्लू और ग्रीन देखने को मिलेगा। 6.5 इंचेस का स्क्रीन होगा दोस्तों, 4GB, 6GB, 8GB का आपको रैम का वेरिएंट मिल जाएगा, 16MP का सेल्फी कैमरा होगा, स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलेगा चिपसेट, 64 और 128GB का आपको इसमें स्टोरेज देखने को मिलेगा। बात करते हैं कैमरे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 16MP, 8MP और 2MP के साथ। बात करते हैं अगली खबर की जो कि आती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi ने आज अनाउंस कर दिया है अपना 20W का वायरलेस फास्ट चार्जर दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि आती है Redmi की तरफ से। दोस्तों Redmi की बहुत जल्दी वॉच आने वाली है। जैसा कि आपको पता है अभी Xiaomi ने अपनी वॉच
पहली जो है वो लॉन्च करी थी 5 नवंबर को। अब Redmi भी जो है अपनी वॉच लाने वाला है, और ऐसा ट्विटर पे इनके GM ने बताया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi Poco F2 के फ़ोन के केस ऑनलाइन देखे गए हैं, इसका मतलब है कि ये फ़ोन जल्दी ही हमारे और आपके सामने आने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फिर से Xiaomi की तरफ से ही आती है। दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों अपना Mijia ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर डिस्पेंसर, और दोस्तों इसमें आपको मिलेगी 4 महीने की बैटरी लाइफ। तो देखते हैं और क्या क्या Xiaomi लाता है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है Flipkart की तरफ से। दोस्तों Flipkart ने आज लॉन्च कर दिया है अपना एक नया प्रोडक्ट, जो कि है Marque Turbo Stream Android TV डोंगल। दोस्तों और इसमें आपको देखने को मिलेगा डेडिकेटेड बटन, जो कि होंगे YouTube, Netflix और Google असिस्टेंट के। वहीं पे आपको इसके इसी में 1 GB की रैम मिल जाएगी, 8 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ब्लूटूथ 4.2 कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा 3,499 रुपये का। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की, जो कि आती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो लॉन्च कर देगा पहले क्वार्टर में 2020 में अपना OLED स्मार्ट टीवी। दोस्तों तो देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। दोस्तों तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियोस मेरे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट से या मेल करके दोस्तों। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस आपको रेगुलर और बहुत ही शानदार मिलते रहेंगे। बहुत जगह हम मौजूद हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अगर वहाँ आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर कल मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन। योर्स राहुल द्विवेदी।